तो दोस्तों, अगर आप Realme या फिर Oppo का डिवाइस यूज़ करते होंगे तो जनरली आप अपने डिवाइस में इंटरनेट को ज़रूर से यहाँ पे यूज़ करते होंगे। तो ऐसी सिचुएशंस में आपको पता है कभी कभी ऐसा टाइम होता है ना कि इंटरनेट में बहुत ज़्यादा MB जो है हमारा कंज्यूम होने लगता है। तो ऐसी सिचुएशंस में आप अपने डिवाइस में डाटा को कैसे यहाँ पे जो है सेव कर सकते हैं, आज की इस वीडियो के थ्रू मैं इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ। अगर आप Realme या फिर Oppo का डिवाइस यूज़ करते हैं तो यहाँ पे मैं डाटा सेविंग के इस फीचर के बारे में जो मैं बात करने वाला हूँ, कैसे आपको इनेबल करना है इस वीडियो के थ्रू, सारी मैं प्रोसेस बताने वाला हूं। वीडियो को आप कंप्लीट जरूर से देखिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी हम वीडियोस अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको हमारी वीडियो अपलोड करते मिल जाए। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सोशल साइट्स के लिंक प्रोवाइड करवाए गए हैं, उनको आप जरूर से फॉलो कर लीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप टेलीग्राम को भी जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आप इंटरनेट जरूर से अपने डिवाइस में यूज कर रहे होंगे, ऐसे में आपको पता है कभी कभी ज्यादा MB जो है यूजेस हो जाती है, मतलब आप ज्यादा यूज नहीं भी करते फिर भी जो है यहां पे कंज्यूमेशन जो है यहां पे होता रहता है। तो यहां पे अगर आप डेटा को जो है यहाँ पे सेव करना चाहते हैं, मतलब जो भी आपका इंटरनेट जो चल रहा है उसमें MBs वगैरह को जो यहाँ पे सेव करना चाहते हैं, तो इसके लिए एक फीचर मिलता है जो कि आपके इस Realme डिवाइस में होता है, जो कि डेटा सेविंग का है। ठीक है, उसमें क्या होता है, जब भी आप अपने डिवाइस का मोबाइल डेटा ऑन करते हैं तो उसमें जो भी आपका डेटा कंज्यूम हो रहा है उस डेटा को जो है यहाँ पे आप जो है सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए एक फीचर जरूर से दिया गया है। तो इस फीचर को इनेबल करने के लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले अपने डिवाइस के आपको सेटिंग में चले जाना है। ठीक है, सेटिंग में जाने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे सर्च के ऑप्शन में टैप करना है, यहाँ पे आपको सर्च कर देना है डाटा सेविंग को। ठीक है, यहाँ पे आपको कर देना है, देख सकते हैं यहाँ पे सिंपली आपको सर्च करना है डेटा सेविंग। ठीक है, जैसे आप डेटा सेविंग करेंगे तो यहाँ पे आपको फ्रंट साइड में सबसे पहले में डेटा सेविंग का ये ऑप्शन मतलब मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप जो है यहाँ पे बाय मैनुअल भी मतलब बिना सर्च करे जाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार का एक ऑप्शन मिलता है, सिंपली इस पर टैप करना है। देन उसके बाद आपको यहाँ पे जो है स्टेटस बार को टैप करना है। जैसे आप स्टेटस बार को टैप करेंगे तो यहाँ पे आपको डेटा सेविंग का एक ऑप्शन जरूर से मिल जाएगा। ये बेसिकली अभी मैंने इनेबल किया है, अभी देख सकते हैं मैंने इसको डिसेबल किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही मैं इस फीचर को इनेबल करूंगा तो अब हमारा डिवाइस जो है डेटा सेविंग मोड पे जो है यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है। अब अगर हम जो भी इंटरनेट यूज करेंगे, जो लॉसेस होते हैं ना डेटा के, जो भी यहाँ पे MBs वगैरह जो है लॉस होती रहती है, तो वो यहाँ पे सेव करेगा उसको, जो यहाँ पे जितने भी डेटा लॉस होते हैं जो फालतू होता है वो यहाँ पे लॉस नहीं होगा। ये फीचर काफी अच्छा दिया जाता है। तो आप Realme का ये डिवाइस यूज कर रहे हैं या फिर Oppo का डिवाइस यूज कर रहे हैं तो आप अपने इस फोन में जो है डेटा को आराम से इजिली जो है यहाँ पे सेव कर सकते हैं। तो ये काफी अच्छी प्रोसेस होती है अगर आप इंटरनेट को यूज कर रहे हैं। ठीक है, अपने डिवाइस में तो इस फीचर को आपको जरूर से मे बी ऑन कर लेना चाहिए। इससे होगा क्या कि आपका डिवाइस जो भी यहाँ पे डेटा आप कंज्यूम करेंगे या फिर जो भी डेटा आप एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है, उन डेटा में से कुछ ना कुछ भाई डेटा आप सेव कर सकते हैं। तो ये आपके लिए एक अच्छा फीचर मिल जाता है। ठीक है, वेल आप जरूर से बताइएगा कमेंट में आपको ये जो डेटा सेविंग का फीचर है वो कैसा मिला है देखने को। ठीक है, और बाकी भाई इसको इनेबल करने के लिए जो है आपको इस तरीके से मिल जाएगा। और हाँ, साथ ही साथ हो सकता है कि मे बी कई सारे डिवाइस के साइज से यूजर को अगर ना मिला होगा ना तो आपको वेट करना है सॉफ्टवेयर अपडेट का, क्योंकि सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू ही कुछ फीचर्स यहाँ पे किए जाते हैं। हो सकता है कि आपको वैसे जनरली कई सारे डिवाइस को ये डेटा सेविंग का फीचर जो है मिल चुका है, बट कई सारे डिवाइस में अभी भी इस चीज को जो है रोल आउट नहीं किया गया है। तो जिन भी डिवाइस के यूजर्स को अभी भी रोल आउट नहीं किया गया है उनको बस अभी पेशेंस रखना है। हो सकता है कि सॉफ्टवेयर अपडेट अगर आपको मिल गया तब तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो आपको सॉफ्टवेयर अपडेट तक का वेट कर लेना है। न्यूली अपडेट में हो सकता है कभी ना कभी जो है आपको डेटा सेविंग का भी ये फीचर जरूर से ऐड कर दिया जाए। तो होपफुली आपको इस वीडियो के थ्रू यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन जो है डेटा सेविंग को लेकर जो है यहाँ पे प्रोवाइड हो गई होगी। तो वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, वीडियो को आप शेयर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए आते हैं तो चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करके ऑल पे जरूर से क्लिक कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी हम वीडियोस अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको हमारी वीडियो अपलोड करते ही मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच।